अगर आपने सेफ्टी गेट एक्सटेंशन के साथ ऑर्डर करा है तो आपको ये सारी चीजें उसमें मिलेंगी। ये एक्सटेंशन जो भी आपने ऑर्डर करी है उसके साथ दो एक्सटेंशन कनेक्टर जिनकी मदद से आप गेट को एक्सटेंशन से कनेक्ट कर पाएंगे इस तरीके से। ये गेट अब आपका एक्सटेंशन के साथ कनेक्ट हो गया। यह देखिए अब यह गेट एक्सटेंशन के साथ इंस्टॉल हो चुका है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आपने यह गेट इंस्टॉल कर लिया है और अगर आपको ये लगता है कि ये स्क्रू वाला स्पेस हम ज्यादा यूज कर रहे हैं तो रिकमेंडेशन ये है कि आप एक एक्स्ट्रा एक्सटेंशन ले लें। जैसे ये 10 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन है तो आप एक्स्ट्रा 10 सेंटीमीटर की और ले लें, और अगर आपको जगह का पूरा अनुमान है तो आप फिर 20 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन ले लें। यह गेट पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है और इंस्टॉलेशन प्रोसेस एकदम वही है जैसा हम बता चुके हैं। अगर इस जगह से ज़्यादा आपकी जगह है और आपको लगता है कि स्क्रू और ढीला करना पड़ेगा तो मैं फिर से यह कह रहा हूँ आप एक एक्स्ट्रा एक्सटेंशन ले लीजिए। और साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी जगह बहुत ज़्यादा है और आपको लगता है कि आपको और एक्सटेंशन यूज़ करनी पड़ेंगी तो आप बेशक लीजिए, बट हमेशा हमारी एडवाइस यह है कि उसके साथ एक एक्स्ट्रा एसेसरी लीजिए। ये है क्लिप, ये गेट की स्ट्रेंथ बनाए रखता है और ये एक्सटेंशन के साथ ऊपर व नीचे दोनों तरफ लग जाता है। इससे आपका गेट बहुत मजबूती से टिका रहता है और एक्सटेंशन के साथ अच्छे से जॉइंट रहता है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं सेफ्टी गेट और उसकी एसेसरीज और एक्सटेंशन के बारे में। यह सेफ्टी गेट जो कि 75 से 85 सेंटीमीटर का एरिया कवर करता है, यह आता है 4 स्क्रूज के साथ। इसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड गेट है। अब मैं दिखाता हूँ हमारी पहली एसेसरी जो कि बहुत यूज़फुल है आपकी दीवारों को सेफ रखने के लिए और इस गेट का मजबूती से इंस्टॉलेशन करने के लिए। आपकी वॉल को इस तरीके से सेव करेगा और गेट को इस तरीके से फिक्स करेगा। अगर आपकी एक साइड वॉल है और दूसरी साइड पिलर या स्टेयर्स है, जैसे रेक्टेंगल कॉर्नर्स हो जाते हैं या फिर सर्कुलर या सिलेंड्रिकल कोई शेप है, तो उसके लिए हमारे पास दूसरी एसेसरी है। अगर आपके चारों तरफ प्लेन सरफेस है तो आप ये 4 वॉल प्रोटेक्टर ले सकते हैं। यदि आपकी एक तरफ प्लेन सरफेस है और दूसरी तरफ ट्रायंगुलर शेप की कोई भी चीज है जैसे दीवार, तो आप ये वाई क्लिप ले सकते हैं। पर ध्यान रहे, ये वाई क्लिप टाइट करने के लिए आपको हमेशा से इस ब्लू स्क्रू टाइटनर की जरूरत पड़ेगी। तो यदि आपको इस स्क्रू की जरूरत नहीं है तो आप इस टाइटनर को ले लें और इसका यूज आप सेम तरीके से वाई क्लिप के साथ कर लें। यदि आपका दूसरा साइड किसी सिलेंड्रिकल शेप का है तो आप इस यू क्लिप को यूज कर सकते हैं, जिसका यूसेज प्रोसेस बिल्कुल सेम है जिस तरीके से इस स्क्रू का है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप इस ब्लू टाइटनर को इसके साथ अटैच कर दें जैसे कि ये इस स्क्रू के साथ है। अब ये आप अपनी आवश्यकता अनुसार इन एसेसरी को ले सकते हैं। आपके अगर दोनों तरफ ही सिलेंड्रिकल शेप है तो आप ये 4 यू शेप ले लीजिए। दोनों तरफ अगर आपके
ट्राइंगुलर शेप है, कॉर्नर है, तो आप ये चारों वाई क्लिप ले लीजिए। और अगर आपके दोनों तरफ प्लेन सरफेस ही है तो आप को कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, ये आपकी इच्छा है। अगर आप उसको मजबूती से होल्ड करना चाहते हैं और अपनी वॉल को एक्स्ट्रा सेफ करना चाहते हैं तो आप चार ये वॉल प्रोटेक्टर ले लीजिए। अब हम बात करते हैं गेट के एक्सटेंशंस की, जो कि हमारे पास कई तरीके की हैं, जैसे 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर। इन सबको कनेक्ट करने के लिए ये एक कनेक्टर दिया जाता है, जो कि बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगा अगर आप कोई भी गेट एक्सटेंशन के साथ ऑर्डर करेंगे तो। लेकिन हमारा ये रिकमेंडेशन है, अगर आपका एरिया ज्यादा है, जैसे 10-20 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो आप इस कनेक्टर को भी साथ में लीजिए, जो कि बड़ी से बड़ी दूरी को मजबूती से गेट को एक्सटेंशन के साथ जोड़ेगा और आपका गेट पूरी तरीके से स्टेबल रहेगा। इस तरीके से यह आपको नीचे व ऊपर दोनों तरफ लगाना है। इस तरीके से यह मजबूती से जॉइन हो गया और अब आप निश्चिंत हो जाइए, यह बहुत अच्छे से फिक्स हो चुका है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी साइज की एक्सटेंशन किसी भी कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया कि यह 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर जॉइन हो गई है, इसी तरीके से ये 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर ये आपस में आसानी से जॉइंट हो जाएंगे। बस आपका अगर एरिया ज्यादा है तो आप इन कनेक्टर का यूज अवश्य करिए। ये एक्सटेंशंस आप गेट के दोनों तरफ यूज कर सकते हैं, राइट हैंड पर भी और लेफ्ट हैंड पर भी। इस तरीके से आप कितना भी चौड़ा एरिया इस सेफोकिट सेफ्टी गेट से कवर कर सकते हैं। अगर आपका एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है तो बस कोशिश ये करिएगा कि गेट वाला एरिया बीच में रहे और एक्सटेंशंस लेफ्ट और राइट में रहे।